तो बिहार के सियासी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार की राजनीति से, कि सीएम नीतीश कुमार ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को इस्तीफा उन्होंने सौंपा है। एक बड़ी खबर बिहार में आ रही है कि अब वो भाजपा के साथ जो गठबंधन था नीतीश कुमार जदयू का, और जदयू पार्टी ने भाजपा का दामन छोड़ के और अब आरजेडी का दामन थाम लिया है, तो बिहार के सियासी में अब भूचाल आ गया है। जी हाँ, यह देखिए सबसे बड़ी बात है कि मात्र ढाई साल सरकार चली और फिर ये सरकार टूट गई, और फिर पलटू राम जो नीतीश कुमार को कहा जाता है अक्सर, पलटू राम ने फिर 5 साल में, यह दूसरी बार है कि पलटू राम ने फिर पलटी मार दिया है और बिहार की सियासी में भूचाल आ गया है। देखिए ये कयास लगाए जा रहे थे बार बार कि इस अब बिहार की राजनीति गर्मा गई है, अब कुछ होने वाला है। आखिर क्या कुछ कारण है तो कि गद्दी पर बैठा था तो दम काहे घुट रहा था उनका? किन का? नीतीश कुमार का। अच्छा, गद्दी पर बैठे थे ये मुख्यमंत्री का, तब काहे हार्ट फेल हो रहा था जो इस्तीफा देना पड़ा? क्या कारण है? देखिए अब ये कई लोग कारण पूछ रहे हैं, इनको कारण नहीं पता है। तो देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो क्या कारण है कि नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन छोड़ के आरजेडी का दामन थाम लिया है। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, लोगों को पता नहीं है। लोगों के अंदर की बात जो बात है राजनीति में, लगातार खबर चल रही है, प्रकाशित हो रहा है। लग रहा है आपको क्या कुछ कारण हो सकता है, आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ दिए? कारण पता है आपको? कारण हम क्या बता सकते हैं, कारण तो बहुत है, लेकिन हम लोग देहात का आदमी हम लोग क्या बता सकते हैं, ये तो कोई लीडर बताएगा। जब हाल फिलहाल में ही जब विधानसभा चुनाव हुआ तो आपको बताते चले कि वहाँ पे नीतीश कुमार को मात्र 43 सीट मिली थी और जो भाजपा है उनको 70 प्लस सीटें मिली थी, और उसके बाद भाजपा बहुत बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई थी बिहार में। और देखिए, और यही वजह है कि सबसे बड़े भाई होने के नाते भाजपा अब उन्होंने 2 उप मुख्यमंत्री को रखा था। जी हाँ, अपने सरकार को चलाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए भाजपा ने 2 उप मुख्यमंत्री को रखा। एक का नाम था तारकिशोर प्रसाद तो एक का नाम था रेणु देवी। अब देखिए नीतीश कुमार अपना फैसला खुद से ले नहीं पा रहे थे। कैबिनेट मंत्री का अगर बात हो, कैबिनेट मंत्री की बात हो, तो कैबिनेट मंत्री को चुनना उनके हक में नहीं था, वो फैसला नहीं ले रहे थे। तो इस कारण भी नीतीश कुमार को लग रहा था कि अब हम जो फैसला है हम खुद से नहीं ले पा रहे हैं, भाजपा बीच में दरार डाल रही है। ये कारण है, सबसे बड़ा कारण ये भी है कि नीतीश कुमार ने पलटी मारा है। दूसरा ये कारण है कि लगातार बताए जा रहे थे कि आरसीपी सिंह जो कि राज्यसभा में जाने वाले थे, तो राज्यसभा में वो राज्यसभा जो सीट उनको दे, जो नीतीश कुमार थे वो राज्यसभा सीट उनको नहीं दिए, और जो आरसीपी सिंह जो है वो एनडीए यानी भाजपा के साथ उनका लगाव बहुत ही ज़्यादा करीबी हो गया था, और इसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि आरसीपी सिंह जदयू के जो विधायक हैं उनमें टूट ला देंगे। तो वो टूटने की जो प्रक्रिया है इनकी भनक भी नीतीश कुमार को लग चुकी थी, और यही कारण है कि देखिए आरसीपी सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ा, और आरसीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा जिसके बाद से अब नीतीश कुमार को लग चुका था कि अब फैसला उनके हाथ से निकल रहा है, अब वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और इस कारण नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया और बिहार की राजनीति गलियारे में भूचाल आ गया है। तो देखिए ये जो कयास लगाए जा रहे थे वो अब खत्म हो गया है। नीतीश कुमार ने अपना पाला बदल लिया है और अब नीतीश कुमार फिर से सीएम पद का शपथ लेने वाले हैं। जी हाँ, सीएम पद का फिर से शपथ लेंगे नीतीश कुमार, अब दोबारा सीएम बनेंगे। देखिए अब पहले शपथ ले चुके थे लेकिन अब उन्होंने फिर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है और उसके बाद वो फिर सीएम पद की दावेदार अभी बताए जा रहे हैं। और सूत्रों के माने ये बताए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव सरकार बनने से पहले ही उन्होंने जो राज्य गृह मंत्रालय का पद वो मांगा है। तो देखिए लगातार जो सांसद है और विधायक है, वो तमाम दल हो, चाहे जदयू हो, वो भाजपा हो या फिर अन्य दल हो, लगातार मीटिंग बैठ रहे थे, लगातार ये लोग विचार विमर्श कर रहे थे, सांसद विधायक की मीटिंग चल रही थी अंदर, और उसके बाद एकदम नीतीश कुमार निकल कर आते हैं और ऐलान कर देते हैं कि हमने भाजपा का दामन छोड़ दिया है, हमने इस्तीफा दे दिया है। तो एक बड़ी खबर बिहार के राजनीतिक गलियारे में। और देखिए ये लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और ये लोग खबर सुन के भौचक्का रह गए कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। तो एक बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे में, देखते रहिए, लगातार आपको दिखाते रहेंगे बिहार से खबर, अपडेट देते रहेंगे महाखबर 24 के साथ।